अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो फ्रेंड्स, आप सबका खैर मकदम है। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं हर एक को पसंद आने वाला मटन पुलाव। जी हाँ, मटन पुलाव किसको पसंद नहीं आता। तो चलिए आज हम झटपट से तैयार करते हैं मटन पुलाव। इसे बनाना बहुत ही आसान है। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और साथ में ऑल पर क्लिक करें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो ये देखिए, मटन पुलाव बनाने के लिए मैंने 500 ग्राम मटन ले ली हूँ। आप इसकी जगह चिकन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो मटन को बिल्कुल अच्छे से मैंने वॉश कर ली हूँ। अब इसे हम मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट करने से जो है मटन का टेस्ट जो है बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाता है। तो ये देखिए, मैं मटन में डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून नमक, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून सौंफ का पाउडर। सौंफ को मैंने मिक्सी में डालकर ग्राइंड कर ली थी, इससे इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर और 4 बड़े चमचे 4 टेबल स्पून दही। दही बिल्कुल फ्रेश है हमारा। और साबुत गर्म मसालों में मैं ले रही हूँ 2 सब्ज़ इलायची, 1 बड़ी इलायची, 2 दालचीनी, थोड़ी सी बादियान, 5 से 6 लौंग और 8 से 10 काली मिर्चें। ये डाल देंगे साबुत गर्म मसाले इसके अंदर हम, और साथ में 2 तेज़पत्ते। और अब इन तमाम चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से मिक्स करके हम इसे रख देंगे 30 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए। आपके पास वक्त ज़्यादा हो तो आप इसे 2 घंटे के लिए भी रख सकते हो। तो ये 30 मिनट्स हो चुके हैं। अब गोश्त को गलाना है तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया, तकरीबन आधा कप, और इसको लीड लगा कर हम इसे गोश्त को गला लेंगे। तो यहाँ पर मैं इसे हाई फ्लेम पर 2 सीटियाँ ले लूँगी, 2 विसल्स ले लूँगी और तकरीबन 5 से 7 मिनट इसे स्लो फ्लेम पर हम पका लेंगे ताकि गोश्त हमारा बिल्कुल अच्छे से गल जाए। आप अपने गोश्त के मुताबिक जो है इसे कुक कर लें। तो ये देखिए, मटन हमारा बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल परफेक्ट गल चुका है, ये देखिए। अब तो चलिए पुलाव को हम बघारते हैं। तो यहाँ पर मैंने पैन ले ली और इसके अंदर डाली 1/4 कप ऑयल और 1/4 कप घी। पुलाव जो है घी में ज़्यादा टेस्टी लगता है, आप चाहें तो सिर्फ घी में भी बना सकते हैं या सिर्फ ऑयल में यानी कि तेल में बना लें। अब इसमें मैंने 2 कटी हुई प्याज डाली और प्याज को हम हल्का ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए, प्याज हल्की गोल्डन हो चुकी है, बस इसे इतना ही फ्राई करेंगे। आप इस टिप्स को याद रखें कि अगर आपकी प्याज का रंग गहरा यानी डार्क ब्राउन हो जाएगा तो आपके पुलाव का कलर सफ़ेद नहीं रहेगा, उसका कलर ख़राब हो जाएगा। तो थोड़ी सी प्याज मैंने हटा दी गार्निशिंग के लिए, तकरीबन आधी प्याज। और अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और 5 से 6 हरी मिर्चें। साबुत गर्म मसालों में यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 बड़ी इलायची, 3 सब्ज़ इलायची, इसके साथ थोड़ा सा बादियाँ, थोड़ा सा जावित्री, 2 से 3 दालचीनी, 5 से 6 लौंग और 8 से 10 काली मिर्चें डाल दी हमने, और साथ में डाल देंगे 2 तेज़पत्ते। और इन तमाम चीज़ों को 1 मिनट के लिए भूनेंगे, ज़्यादा नहीं भूनेंगे हम, बस हल्का सा इसे हमें भूनना है ताकि अदरक लहसुन की जो महक होती है वह ख़त्म हो जाए। बहुत ज़्यादा आप नहीं भूनना, नहीं तो आपके पुलाव का रंग ख़राब हो जाएगा। अब इसके अंदर जो मटन हमने कुक किए थे प्रेशर कुकर में, वो पूरा मटन मैंने डाल दी, और अब फ्लेम को हम हाई कर देंगे और मटन को बिल्कुल अच्छे से भून लेंगे तेल छूटे तक। तो ये देखिए, तेल सरफेस पे आ चुका है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 कप दही और साथ में 1 टीस्पून सौंफ का पाउडर। दही तकरीबन हमारा 100 ग्राम था, और थोड़ा सा दही हम पहले मैरिनेशन में इस्तेमाल कर चुके हैं। तकरीबन यहाँ पर मैंने 150 ग्राम्स दही का इस्तेमाल की हूँ। अब दही को बिल्कुल अच्छे से गोश्त के साथ भून लेंगे। तो ये देखिए, बहुत ही अच्छे से दही हमारा भून चुका है, ऑयल आ चुका है। तो अब इसके ऊपर हम डालेंगे 2 कटे हुए टमाटर और थोड़ा सा हरा धनिया, और इसे तकरीबन 2 मिनट के लिए भूनेंगे, ज़्यादा नहीं भूनना है, नहीं तो टमाटर आपके बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। बस इतना काफ़ी है, ये देखिए बस बिल्कुल परफेक्ट है, ये इतना ही रखना है। अब इसमें हमें पानी मिलाना है। तो मैंने 2 कप चावल ली हूँ, तो चावलों का 1.5 गुना मैं पानी मिला रही हूँ। मैं मिला रही हूँ 3 गिलास पानी। 2 गिलास चावलों में 3 गिलास पानी बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि हमने चावलों को भिगा चुके हैं। बासमती राइस को मैंने 20 मिनट पहले भिगा दी हूँ। अब मैंने पानी में डाल दी नमक और थोड़ा नींबू का रस। नींबू के रस से जो पुलाव के चावल होते हैं बहुत ही खिले खिले से बनते हैं। तो ये देखिए, पानी में बॉईल आ चुका है। तो ये रहे हमारे बासमती राइस, तकरीबन 1/2 किलो है यानी 2 गिलास है। इसे मैंने भिगा दी थी 20 मिनट पहले, तो ये बिल्कुल परफेक्ट भीग चुके हैं। अगर आप चावल ना भिगाएं तो फिर आप 2 गिलास चावलों में 4 गिलास पानी का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप ज़्यादा पानी ले लोगे तो आपके पुलाव के राइस जो है वो सॉफ्ट हो जाएंगे, खिले हुए नहीं रहेंगे। इस टिप्स को आप याद रखें। तो पानी का रेशियो आप बिल्कुल परफेक्ट रखें।
अब ये देखिए पुलाव में उबाल आना शुरू हो गया है, हाई फ्लेम पे मैंने इसे कुक कर लिया और इसका पानी जो है तकरीबन ड्राई हो चुका है। तो अब मैं इसमें मिला रही हूँ केवड़ा एसेंस, ये ऑप्शनल है, आप इसके बगैर भी बना सकते हो। साथ में मिला देंगे थोड़ा सा हरा धनिया और जो हमने प्याज हटाई थी गार्निशिंग के लिए, ये प्याज भी मैंने डाल दी इसके ऊपर। ये देखिए अब बस इसे ढक देंगे और बिल्कुल स्लो फ्लेम पर 8 से 10 मिनट कुक कर लेंगे ताकि हमारा पुलाव बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाए। तो ये लीजिए 10 मिनट हो चुके हैं, सुभानअल्लाह बहुत ही बेहतरीन से हमारा पुलाव तैयार है। ये देखिए बहुत ही लाजवाब से खुशबू आ रही है। अब इस पुलाव को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा लूज़ कर लेंगे, ये देखिए हल्का सा लूज़ कर लेंगे इसे हम साइड से बस। और इसे अब दोबारा से हम ढककर 5 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे और फिर इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तो ये मैंने इसे ढक दिया दोबारा से 5 मिनट के लिए और लीजिए अब हम इसे गर्मा गर्म सर्व करते हैं दही के कचूमर रायते के साथ। तो देखा आपने कितना आसान था मटन पुलाव बनाना, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही लाजवाब। तो लीजिए तैयार है मटन पुलाव, अब देर किस बात की। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, खुद भी खाएं औरों को भी खिलाएं। और अगर हमारी ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें, लाइक करें। अपना और अपनी फैमिली का खूब ध्यान रखें और साथ में हमें भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।